जी नमस्कार। इनफॉरमेशन जो हमारे काछे आसे इनफॉरमेशन आसे कि 56,500 डोसेज एलोकेशन त्रिपुरा स्टेट जन्न होचे 16 तारीख थेके एटा लॉन्च आसे 16 तारीख लॉन्च होबे। तारपरे 16 तारीख थेके फर्स्ट फेज वैक्सीनेशन हेल्थ केयर वर्कर्स जो वैक्सीनेशन आसे 17 तारीख थेके स्टार्ट हो जाएगा। 16 तारीख के लॉन्च होबे 16 तारीख दिने 15 लोकेशंस 15 साइट्स इन त्रिपुरा वैक्सीनेशन होबे 2 साइट्स पर डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट इन खोवाई खोवाई में एक साइट पे ही होगा। 56,500 का एलोकेशन आया है। हमारी तैयारी पूरी है टू रिसीव द वैक्सीन और टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द कोल्ड चेन पॉइंट्स। फर्स्ट फेज जन्नो 152 साइट्स आइडेंटिफाइड करे छे हेल्थ डिपार्टमेंट। तारपोरे नेक्स्ट फेज फेज टू फील्ड लेवल वर्कर्स वैक्सीनेशन होगे। फर्स्ट फेज 45,000 काछाकाछी हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेट होगे। तारपोरे सेकेंड फेज काछाकाछी 90,000 बेनिफिशरीज के वैक्सीनेट करबो। तारपोरे फेज थ्री डाटा कलेक्शन चलचे आशा करी मोटामोटी 9 लाख बेनिफिशरीज के वैक्सीनेट करबो। प्रथम फेज जन्नो 152 सेशन साइट्स। तारपोरे सेकेंड फेज जन्नो सेशन साइट्स नंबर हमार जे नंबर आमी कलेक्ट करे छे। थर्ड फेज जखन सबाई के वैक्सीनेशन मोर देन 50 इयर्स तारपोरे कोमोरबिडिटी जन्नो जब पब्लिक जन्नो जब वैक्सीनेशन ओपन होबे तार ओई समय 2200 सेशन साइट्स आसे। আমাদের রাজ্যে যে স্টেট ভ্যাকসিন স্টোর আছে সাফিসিয়েন্ট স্পেস আছে টু স্টোর 15 লাখ ডোসেজ উই হ্যাভ গট ক্যাপাসিটি অ্যান্ড দেন ইন অল দ্য ডিস্ট্রিক্টস উই হ্যাভ গট সাফিসিয়েন্ট স্টোরেজ ক্যাপাসিটি। ফিল্ড মে জিতনে ভি হামারে কোল্ড চেন পয়েন্টস হ্যাঁ সবই কো হমনে এক্সামিন কর লিয়া গয়া হ্যায় অর সবই মে তৈয়ারি কো দেখ লিয়া গয়া হ্যায়। হামারে ম্যান পাওয়ার সবই রেডি হ্যায় সবই কি ট্রেনিং হো চুকি হ্যায়। ফার্স্ট ফেজ জন্নো প্রত্যেক সেশন সাইটে 6 मैन पावर लागू तो ए हिसाबे टोटल 912 मैन पावर रहेंगे फर्स्ट फेज में प्लस कुछ रिजर्व में रहेंगे। तो ये तैयारी हमारी हो गई है और हम लोग लगातार डेली बेसिस पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कांटेक्ट में हैं डिस्ट्रिक्ट्स के साथ रिव्यू कर रहे हैं। आज भी हमारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और जो ट्रेनिंग होनी चाहिए जो कोल्ड स्पेस का जो अरेंजमेंट होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए ये सब जिस दिन हमें वैक्सीन मिलेगा उसी दिन हम लोग डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करा देंगे और डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर थेके कोल्ड चेन पॉइंट पर्यंत एटा कंप्लीशन विद इन 24 आवर्स डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में पहुंचने के विद इन 24 आवर्स हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है कि वो सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर पहुँच जाएगा। उसके लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में व्हीकल्स का अरेंजमेंट ड्राइवर और वैक्सीन कैरियर्स इसका अरेंजमेंट ऑलरेडी हो गया है। जे बेनिफिशियरी आसे जैसे कि हमें आपको पहले बताया प्रथम फेज हेल्थ केयर वर्कर्स उना के देखो तारपुरे सेकंड फेज फील्ड लेवल वर्कर्स जे आसे फील्ड लेवल वर्कर्स मिलते जे पुलिस होमगार्ड तारपुरे आर्मी CRPF BSF आसाम राइफल म्यूनिसिपल वर्कर जे आसे तारपुरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जे स्टाफ आसे जे कंटेनमेंट ड्यूटी लागसे उना के हम वैक्सीनेट कर दें। प्रत्येक दिन प्रत्येक सेशन साइट 100 वैक्सीनेशन देबो और जिसको वैक्सीनेट करेंगे उसको SMS दिया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स को दे रहे हैं तो हेल्थ केयर वर्कर को मैसेज मिल जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन इस पर्टिकुलर डे के दिन इस पर्टिकुलर साइट पर है तो उसको उस समय पर जाकर वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। ए छड़ा जो हमारे जो इंटरनल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म वही उसके थ्रू भी हम लोग जो है कम्युनिकेट करेंगे कि आपका वैक्सीनेशन यहाँ पर तो इंडिविजुअली हम लोगों को बताएंगे फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में भी ज़्यादातर डिपार्टमेंट के लोग हैं
गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, म्यूनिसिपल स्टाफ हैं, उनको भी हम लोग SMS के द्वारा बताएंगे और डिपार्टमेंटली भी हम लोग कम्युनिकेट करेंगे आपको वैक्सीन लेने के लिए। एक वैक्सीन लेने के बाद, एक महीने के बाद फिर से उनको हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कि आपका वैक्सीनेशन यहाँ पर है, इस समय पर है। तो समय और जगह ये हम लोग इंडिविजुअली कम्युनिकेट करेंगे। 16th के बाद से हम लोग इसको लॉन्च शुरू कर देंगे। देखिए 16th को अगर लॉन्च के लिए बोल रहा है तो आशा करते हैं कि कल या मे बी टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो हमें वैक्सीन मिल जाना चाहिए। ऑफिशियल कम्युनिकेशन अभी नहीं आया है तो वी आर वेटिंग। अगरतला कटा जगह शहर ऊपर फर्स्ट फेज अगरतला 30 सेशन साइट्स आसे, किंतु जो लॉन्च होबे लॉन्च 16 तारीख के शुद्ध दूटा साइट, तारपरे 17 तारीख थे 30 साइट्स टोटल अगरतला। तारपरे नेक्स्ट फेज जनो बेसी साइट होबे, तारपरे थर्ड फेज आर बेसी साइट हो, किंतु फर्स्ट फेज 30 साइट्स आसे। प्रथम दूटो जगह कथा है एक गांधीग्राम PSC और दूसरा लोकेशन है हमारा TMC त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज। ICM एवं GBT करा होगे ना लॉन्च के दिन में 17 तारीख से हर जगह 17 तारीख से IGM में 3 साइट आसे, GBA 5 साइट आसे, किंतु लॉन्च के दिन में केवल 2 साइट्स ही रहेंगे। गांधीग्राम PSC साधारण मानुष के सरसरी इसे क्यों से वैक्सीन ग्रहण करते पारे कि मेसेज थे अपना NSM डायरेक्टर तरफ हमें यहाँ बोलते चाहें कि वैक्सीन जो सेफ आसे, वैक्सीन को लॉन्च तभी किया जा रहा है जब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसकी सेफ्टी को लेकर क्लियरेंस दे दिया गया है। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी इम्पोर्टेंट तो 39 नेशंस वैक्सीन रोल आउट हो चुके, और सभी नेशन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भीतरे एटा वैक्सीन रोल आउट कर चुके। इसी सिस्टम में हम भारतवर्ष में भी वो कर रहे हैं, सफिशिएंट क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए हैं इसकी सेफ्टी को लेकर और इम्यूनोजेनेसिटी को लेकर। तो ये मैं सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन हमारे लिए सेफ हैं, और आप इसको लेकर यदि किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन आता है तो पहले वेरीफाई कराएं और उसके बाद ही इसको आगे आप लोग स्प्रेड करें। दूसरा एक और मैसेज मैं पास करना चाहूँगा कि वैक्सीन देने के साथ साथ में प्रोटेक्शन नहीं आएगा, प्रोटेक्शन आएगा सेकेंड डोज के 15 डेज के बाद। दैट मीन्स इसका मतलब होता है फर्स्ट डोज के 45 डेज के बाद वैक्सीन प्रोटेक्शन दे। तो वैक्सीन लेने के बाद हमें रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क व्यवहार करो जनो तरपुर है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग इटा मेंटेन करते हो गए, क्योंकि 45 डेज का समय लगता है। तो वी शुड कंटिन्यू टू टेक प्रिकॉशनरी स्टेप्स इवन आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड। सर द्वितीय डोज का कितने दिन पर दो? 30 डेज प्रथम डोज अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन आ रहा है, कोविशील्ड है। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे सर? पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।